क्या लिखा है, क्या लिखा है बेटा तूने? ये मतलब कुछ भी नहीं, क्या सोचकर तू मेरे पास आया बताओ मुझे। सर आप इतने बड़े जर्नलिस्ट रहे हैं, आपने इतना सब कुछ पढ़ा है, तो मैंने सोचा कि। अरे क्या खाक सोचा तुमने? कुछ नहीं सोचा है तुमने, कोई सोच नहीं है, कोई विचार नहीं है उसमें। सर एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, अभी मैं आगे और। अरे फर्स्ट हो या सेकंड हो, मुझे क्या लेना देना है उससे है? ये मैं कह रहा हूँ ना, ये सब बकवास है। एक किरदार तो तुम ढंग से नहीं लिख पा रहे हो, कहानी के खाक लिखोगे? देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम किरदार में इमोशंस डालो, कुछ सेंटिमेंट्स डालो उसके अंदर। और एक काम करो, अब तुम आगे का लिखो, फिर ले आना, देखते हैं इसका क्या कर सकते हैं अपन। हैं ठीक है, जाओ तुम। ठीक है सर, थैंक्स फॉर योर सेशंस। और सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? जी डेविड। डेविड, एक काम करना, वहाँ हारमोनिका रखी है वो मुझे ज़रा ला के देना। एक किरदार तो तुम ढंग से नहीं लिख पा रहे हो, कहानी के खाक लिखोगे? बेटा बेटा दरवाजा खोलो, बेटा दरवाजा खोलो। डेविड डेविड दरवाजा खोलो, डेविड डेविड दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। डेविड डेविड ये क्या है? मैंने तुझे एक छोटा सा आर्टिकल लिखने को दिया था, वो भी नहीं होता तुझसे? आधे घंटे में मुझे फाइल अपनी टेबल पर चाहिए। मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा मतलब? सर आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझसे नहीं होगा। व्हाट्स रॉन्ग विद यू यार डेविड? चलो एक घंटे में ये फाइल मुझे अपनी टेबल। अरे नहीं होगा यार, नहीं आता मुझे लिखना, नहीं होगा मुझसे। क्या ये है? अच्छा था आप लिखते हैं, लेखक हैं? बहुत बड़े लेखक हैं, इन्हीं का बच्चा हूँ मैं। जी मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, कहानियाँ भी लिखता हूँ। कहानियाँ? ये बकवास। वाह भाई, हमारे भैया भी लिखते थे। क्या लिखते थे? कविता सुनाइए ना भैया, आप कल ही तो सुना। ऐसा है, हर कहीं थोड़ी ना सुना सकते। देखिए आप, कला होती है ये भी, एक इज्जत तो करनी पड़ती कला की, वरना आजकल के लोग तो क्या है, बस हर कहीं सुनाते रहते हैं, ढिंढोरा पीटते रहते हैं, और फिर क्या,
बाद में गालियां खाते हैं लोगों की। अभी क्या करते हैं भैया आपके? अभी क्या करते हैं? अच्छा अभी अभी तो कुछ नहीं, कंपाउंडर है, असिस्टेंट है, एक डॉक्टर है बहुत बड़े, उनके असिस्टेंट है। अब पेट पालने के लिए तो इंसान को कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, देखिए अब दुनिया है ये भी, कामकाज तो करना ही पड़ता है ना। और वैसे भी आजकल के लोग तो क्या पढ़ते कुछ और हैं और समझते कुछ और हैं, आप तो खुद ही लेखक हैं, समझ ही सकते होंगे, आपके साथ भी होता ही होगा। और बताइए वैसे आपने क्या सोचा है आगे का? सोचना क्या है, इन्होंने कौन सा तीर मार लेना है, ये भी वही बनेंगे कंपाउंडर। हाँ तो तुम कौन से तीस मार खाओ, कहा ना मैंने राइटर बनेगा बहुत बड़ा राइटर। ये जी हाँ राइटर बनेगा। हाँ। बहुत बड़ा राइटर जी। हाँ। बात करते हो आप, समझते क्या है महाशय? नहीं तो तुम क्या समझते हो? उन्होंने लिखा है कहानी लिखते हैं। मैं मेरे अनुभव से कह रहा हूँ, मुझे मालूम है क्या बनेगा। आपका अनुभव नहीं रहा। अरे समझा, आपने सिर्फ पढ़ा है, वो लिखते हैं। अरे तुम नई जनरेशन के लोग, तुम्हें समझ में नहीं आती मेरी बातें। प्राचीन भारतीय संस्कृति के अवशेष है आप बच्चे। छोड़ो हाँ तो बढ़िया है, मैं गाड़ी में बैठा, उसके आगे क्या? अबे तू सुन रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने गाड़ी में से बॉडी निकाली, बॉडी डिस्पोज की, गाड़ी में बैठा, उसके आगे क्या? अबे ऐसे घूर क्या रहा, बता ना आगे क्या हुआ? आगे की पड़ी तुझे, आगे की पड़ी है तुझे, डेड बॉडी के आगे की पड़ी तुझे। मैं बताता हूँ आगे क्या हुआ। वो बुड्ढा साला यही गेट बजा रहा था, यही गेट बजा रहा था वो, और मैंने नहीं खोला, नहीं खोला, मैंने नहीं खोला, नहीं खोला, नहीं खोला, मैंने नहीं खोला। तूने मारा, तूने मारा बुड्ढे को? सर नहीं, मैंने नहीं मारा सर उसको। फिर बुड्ढा कैसे मारा? सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने नहीं मारा। तूने मारा बुड्ढे को? तूने मारा ना, इस बुड्ढे को तूने ही मारा है ना? सर मैंने नहीं मारा सर, सर
मेरी गलती नहीं है सर। मर गया बुड्ढा बेचार, रात में क्या चोर आए और अब दे देना था जो भी था, ये कोई उम्र तो थी नहीं उसकी झगड़ने की। वैसे साहब आप भी तो यहीं रहते हो, कुछ आवाज आई रात को आपको खिलाने की? मैं सो रहा था। सो रहे थे साहब। हेलो सर, मैं क्राइम ब्रांच से, कल रात आपने कोई आवाज सुनी है? नहीं नहीं साहब, ये सो रहे थे। ठीक है साहब, चलता हूँ। हेलो सर, कोई आवाज सुनी आपने कल रात? क्या सर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कल रात कोई आवाज सुनी आपने? कोई आवाज चिल्लाने की, कोई चिल्लाने की आवाज सुनी आपने कल रात? यहाँ तेरी गलती नहीं थी यार, तुझे थोड़ी ना पता था, तेरी गलती नहीं थी।